वहाँ कोई मच्छी नहीं मार रहे थे अगर ऐसा रहता तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक इंसिडेंट होने का था क्योंकि मैं आता हूँ देखता हूँ और हर गांव में देखता चला जाऊँगा तो नहीं होगा मैं जब एक गांव गया है तो उसका डेवलप होगा उसी के बाद मैं अगला गांव में जाऊँगा जितना भी जो भी हमारे अंडमान के अंदर जो भी घर के पास ट्री है उसको काटने का हमें परमिशन भी चाहिए बात करना चाहते हैं नमस्कार मैं हूँ विनीता आपकी रिपोर्टर न्यूज़ आप तक से आज हम आए हैं जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती प्रमिला कुमारी जी के ऑफिस में हम उन हमें यह सुनने में आया था कि मीठा खाड़ी में ये इंस्पेक्ट करने के लिए पहुंची जो आ, संडे को इलेक्ट्रिसिटी uh, का जो वहाँ पे साइक्लोन के चलते जो बहुत सारा जो अपरूटिंग ऑफ ट्रीज़ हुआ और इलेक्ट्रिसिटी पोल्स के चलते जो घरों में डैमेजेस हुए और बहुत सारी जो इलेक्ट्रिसिटी कट हुआ उसको लेके मैम वहाँ पहुँची हम उनसे जानते हैं कि मैम आपको इस बारे में जो खबर है कैसे पता चला और आपने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया मैं जब घर में बैठी थी तो वह व्हाट्सअप खोली तो उसमें दिखाया गया कि वहाँ पर खम्बा गिरा है मीठा कड़ी में और कुछ कुछ गर्मी में पेड़ भी गिरा है तो मैं इमीडिएटली वहाँ गई कि क्या खम्बा गिरा किसी को कुछ नुकसान हुआ तो मैं वहाँ पे गई वहाँ पे एक एक्स एक प्रधान कंडैया जी का नंबर था उनको फ़ोन करा बोले इमेडियटली पी इसको को सब बुलाओ हम आ रही है तो वहाँ गई जाके देखा खम्बा गिरा है तो उन्होंने सफ़ीक प्रधान जी को फ़ोन करे वो इमीडिएट पाँच मिनट में आए आने के बाद हम लोग सब मिलके सर्वे करे खम्बा भी लगाया फिर सफीक जी ने रिजवाना मैडम को बुलाए एसी आपका इलेक्ट्रिसिटी फिर वहाँ से हम लोग देखने के बाद साइट ऑफिस गए वहाँ में हम लोग रिजवाना मैडम और सारे पी आर ए मेम्बर्स और थोड़ा से गाँव वाले एक्स प्रधान और टूषणाबाद का प्रधान मीठा का प्रधान और नमनाकर का प्रधान सभी ने मिल के वहाँ करंट का हम लोग इमीडिएटली क्या कर सकते इस बारे में चर्चा किए उसके बाद वो जो लाइन है सब मिट्टी में है कीचड़ में है एक घुटने के तक तो मैं वहाँ तक जा नहीं पाई तो जो कंडीशन देखा बहुत बुरा था और ईश्वर का बड़ा एक अच्छा ये है कि वहाँ पे कोई मच्छी नहीं मार रहे थे अगर ऐसा रहता तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक इंसिडेंट होने का था रात का वक्त था इसलिए कुछ हुआ भी नहीं तो वो जो खम्बा फिर से लगाया गया लेकिन वो सफिशेंट नहीं लगा तो हमने रिजवाना मैडम से बोले कि मैडम चलिए हम लोग साइड में देखते हैं और मैडम भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया और वहाँ जे जो भी वर्कर्स है सब ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया और हम लोग वहाँ पे वहाँ से इमेडिएटली साइड पे गए वहाँ देखा तो उस काम्बे को हम लोग रोड साइड लाना चाहते क्योंकि वो एकदम वेस्ट है वहाँ से कोई घर को भी सप्ले नहीं हो रहा था तो रिजवाना मैडम से हमने बात करे तो उन्होंने बताया और सफ़ीक सर भी बोले कि हम लोग कई बार लिख के दिए रिजवाना मैडम को बोले कि हम लोग शिफ्ट करने के लिए तो रिजवाना मैडम बोले और वहाँ के जो जेई थे उन्होंने कहा कि हमने सारा कुछ कर दिया एस्टिमेट बना लिया पर क्या है वन हंड्रेड ट्वेंटी ट्रीज है जो रास्ता पे उनको काटना है अगर वो कटवा देंगे तो हम लोग इमीडिएटली इसको शिफ्ट कर देंगे तो इसके लिए ए से भी बात करना है तो हम लोग इनके बारे में चर्चा करें तो हम लोग रिजवाना मैडम बोले कि मैडम आप इसका ट्री कटवाने का परमिशन लीजिए और आप इसका बारे में एक्शन लीजिए तो हम लोग सब कुछ रेडी है हम लोग जल्दी से खंभा डलवा देंगे और उसके बाद में बोले यहाँ पे हमेशा पावर कट क्योंकि बम्बू फ्लट से डायरेक्ट इनका कनेक्शन गहरा चरमा में जाता है और वो थ्रू जाता डंडस पॉइंट से होते हुए तो हम लोग बोले कि अगर वहाँ से एक लाइन ऑफ करके यहाँ इस साइड दे देंगे तो हमारा पांच पंचायत में वहाँ पे एक सब स्टेशन अगर बना दिया तो क्या है कि वहाँ पे जो पांच गांव हैं ये जो पावर कट एक साथ होता है जैसा भी अगर छोलदारी में करंट जाता है तो फिर वही गैरा चरमा में या बाज़ार में कहाँ है वो ऐसा एक ये अतेंडेंस तो फिर वहाँ से पता करो कहाँ पे है फिर जाना है तो ये एक सब स्टेशन बना देगा तो वो जो है फ्रारगंज और आपका मैं मैनपुर टूशनाबाद उगरा ब्रांच खाड़ी नमनागर छोलदारी तक उससे सप्लाई होगा तो अगर यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ जैसा गैरा शर्मा साइड में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इमरजेंसी में हम लोग वहाँ से फ्रारगंज से हम लोग जो बम फ्लट्स आए थे उससे वहाँ पे सप्लाई कर सकते तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें तो मैडम रिजवाना मैडम बोले कि आप लैंड ये कराइए हम लोग कोशिश करेंगे तो जैसे कि फिफ्टी लैक्स तक के अंदर में आ सकता है तो हम लोग कर सकते हैं उन्होंने भी बहुत हमारे साथ सपोर्ट करे और यई ये जो भी था अच्छा सपोर्ट मिला हम लोग तो हम लोग वो सारा डिस्कशन करे करने के लिए और उसके बाद में हम लोग वहाँ से मैं जट्टी तरफ गई मीठाकाड़ी जट्टी तरफ गई तो वहाँ एक सर थे हमारा उन्होंने एक प्रपोजल रखा और ये हमारा जो एक्स प्रधान कंडैया जी है ये काफ़ी दिन से मेरे को बोलते थे कि अगर आपका ये जो कुमड़ा खेती से एक पुल बनाया जाए अगर मीठा खाड़ी तक या कुमड़ा खेती से वा, वाई वाइपर तक एक जेटी बनाए वाइपर से फिर उसको समुद्री रास्ता एक पुल जैसा बनाया जाए तो हमारे पोर्टर जाने में जल्दी होगा क्योंकि ये चीज़ आप बम्बू फ्लाट में काफ़ी दिन से इनका डिस्कस चल रहा है होता नहीं है अभी तक हुआ नहीं है काफ़ी सालों से तो ये अगर कुमड़ा खेती से वाइपर को जोड़ दे वाइपर से आपका मीठा कड़ी मीठा कड़ी से ऐसी आपका बम्ब फ्लाट जोड़ दे तो ये एक स्कीम बनेगा पुल तो थ्री फाइव मिनट्स में हम लोग पोर्ट में आ सकते हैं उसी तरह टूरिस्ट को भी बहुत अच्छा से आ, एक अच्छा बेस मिलेगा तो इसके बारे में भी हम वहाँ पे जब खड़ी थी सब स्टेशन के लिए तो बोट जट्टी वगैरह बहुत दिख रहा था बोट्स दिख रहा था तो मैंने कहा भाई बोट्स दिख रहा है इतना नज़दीक तो ये क्या है तो कंडैया जी ने बोला अरे भाई यही तो मैंने आपसे कह रहा था कि ये एक प्लान बनाइए प्लान में लाइए डीसी सर से सी एस से बात करेंगे हम लोग अगर ये अप्रूवल मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा हम लोग का जो टूरिस्ट प्लेस भी बहुत अच्छा से आ, मार्जिन करेगा लोग आएंगे और वाइपर में भी अच्छा डेवलप होगा साथ में मीठा काड़ी भी होगा तो उस टाइम मैं जट्टी गए तो सर सर भी इसके बारे में बोले मैडम ये आप करेंगे तो हमारा बस्ती वाला का बहुत इच्छा है कि ये हो जाएगा तो हम लोग का दो बस्ती भी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा क्योंकि डंडसपैन मैं बहुत पहले देखी थी आज भी उसी तरह कोई डेवलपमेंट मुझे नहीं दिख रहा है तो ये जो जट्टी बन जाएगा तो ये अच्छा होगा फिर आज सी से मिले थे हम लोग एल जी बंगला में एक प्रोग्राम था आपका पेट्रोल पंप खोलने का बारह टन का वहाँ भी मैं सीएस के सामने रखे तो सर बोले मैं भी चाहता हूँ लेकिन कुछ लैंड लेके इश्यूज इशूज़ है मैडम हम लोग करेंगे सोचेंगे सर भी बहुत इच बहुत खुश हुए बोले सर तो एकदम बोले मैं तो ये तो प्लान में है और सर अभी हमारा गुप्ता में गए वहाँ में भी अच्छा डेवलप का काम करे अभी सर बोले कि हम उनके बोले सर वंडूर आएंगे तो बोले वंडूर सोबे मैडम आएंगे इससे बीच में अभी थोड़ा सा आपका म्यूनसिपल को भी देखना है कुछ वार्ड्स तो वो भी देखने के बाद फिर से हम वंडूर आएंगे तब तक आप गुप्ता पारा का वाला काम को जो बेंचेस और जो बनाना है हट वगैरह वो बनाइए क्योंकि मैं आता हूँ देखता हूँ और हर गांव में देखता चला जाऊँगा तो नहीं होगा मैं जब एक गांव गया है तो उसका डेवलप होगा उसी के बाद मैं अगला गाँव में जाऊँगा ये बोला है और मीठा काड़ी का बाद भी मैं बोले तो सर बोले हम लोग लैंड के लिए कुछ कुछ कर रहे हैं उसका हो जाएगा तो वो बनाने के लिए हम लोग प्रोजेक्ट रखेंगे बोले मैम अगर मैं पूछूँ तो जैसे हमें सुनने में आया कि जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स गिरे थे इसको ऑलमोस्ट दो दिन हो गया उसके बाद में आप यहाँ पे इस कार्य को देखने गए कि हो रहा है कि नहीं मेरा आपसे ये जानना है कि क्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में खुद से इस चीज़ को इस इस प्रॉब्लम का हल निकालने की कोशिश किया कि आपके जाने के बाद पे इस बात पर एक्शन लिया गया नहीं नहीं वो काम कर रहे थे तो मैं गई बहुत मेहनत कर रहे थे लेकिन अगला बारिश आएगा वो मेहनत बेकार हो जाएगा क्योंकि वहाँ पानी के अंदर खम्बा ज़्यादा देरी नहीं रुक सकेगा मैम जब उनको पता है कि पानी वाला एरिया है खंबा नहीं रुक सकेगा तो वो लोग ऐसे स्थान पे क्यों नहीं रख रहे कि जहाँ पे ये स्टेबल खड़े रहे बिकॉज अगर खम्बा गिरेगा रास्ते पे गिरेगा किसी गाड़ी पे गिरेगा चलते हुए इंसान पे गिरेगा तो एक हार होने का वो है नहीं है वो रास्ता नहीं है एकदम खेती है और सुनामी में वहाँ पर पानी भी आ गया लेकिन वो मैं वही बोल रही हूँ ना स्टेबल करना चाहते हैं उन लोगों के पास उनका सारा वर्क भी पूरा हो गया पर एक ट्री कटना है वन ट्वेंटी ट्री कट गया तो वो शुरू कर देंगे अपना काम इसके लिए मैं आज उन लोग आएंगे बोले डी सर से हम लोग मिलने जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये काम हो सके कि अगला जो यहाँ पे अंडमान में मानसून तो कभी भी आ जाता है बंगाल की खाड़ी है कभी भी आवा तूफान आ जाता है और यहाँ ट्री गिरने का हमेशा प्रॉब्लम रहता है तो आज हमें इस इस सिलसिले में डीसी सर से बात करना चाहते हैं कि जितना भी जो भी हमारे अंडमान के अंदर जो भी घर के पास ट्री है उसको काटने का हमें परमिशन भी चाहिए बात करना चाहते हैं सर एक परमिशन दे देंगे तो हम लोग उसको कटवाने का आगे करेंगे क्योंकि इससे पहले भी जो तूफान हुआ था उसमें भी घर पे ऊपर गिरा अभी भी इस बार भी गिरा है और उसमें एक जन को चोट भी लगा है तो मैं आज हम लोग वही रिक्वेस्ट करने डीसी सर के पास जा रहे हैं कि जो पेड़ हम उनसे लटर लेंगे थोड़ा कटवाने के लिए ऑर्डर करें एसडीएम सर डीसी सर को ये बात हम लोग रखने जा रहे हैं जो 123 ट्रीज आप बोल रहे हो ये सारे घरों के पास है कि क्या है मतलब रास्ता किनारे है जहाँ पर आपका रास्ता किनार पे जहाँ पे हम लोग पोस्ट डालना चाहते हैं अगर वो नहीं कटेगा तो पोस्ट डालना मुश्किल हो जाएगा तो पोस्ट कटना शुरू हो जाएंगे तो आज हमारे प्रधान सब रहे हैं डीसी सर से तीन बजे मिलने के लिए बोला मैम आपने बोला कि आप पुल बनाने की बात कर रही हैं ताकि टूरिज्म का भी एक जो है एक अच्छा नया वे खुल जाए टूरिस्ट को आसान हो जाए प्लस वहाँ के लोगों को जो बाई रोड ट्रैवल करते हैं जब ऐसा प्रॉब्लम होता है तो ये एक हल हो जाएगा शॉर्ट तो आपको इसमें ऊपर से कितना मदद मिल रहा है आपने आगे इस बात को बढ़ाया और इसमें क्या रिस्पॉन्स मिला आप सी एस सर बोले मैंने हमारा प्लान हम लोग भी ये प्लान करके रखे हैं लेकिन कुछ ज़मीन का इश्यूज़ है उसको हम टेकअप करते हैं अभी इमिडिएटली कर रहे हैं तो हो जाएगा तो मैडम हम तो चाहते ही हैं टूरिज़म को जितना बढ़ा सके सी एन सी एस सर ने ये जवाब दिया कि हम हम भी वो चाहते हैं हम भी वो कोशिश कर रहे हैं और जल्दी से वो ज़मीन का हो जाएगा तो कोशिश करेंगे आपने एक सॉल्यूशन दिया इलेक्ट्रिसिटी को लेके कि आ, जब यहाँ से ग्यारह चरमा के साइड से कट जाएगा तो फरारगंज की तरफ से तो अभी का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है अगर हम आइलैंड्स में देखें तो वो है पावर कट का इशू तो जहाँ पे आ, हम ये विचार कर रहे हैं जैसे आप लोग विचार कर रहे हो कि क्या नया कर सकते हो लोगों की यू नो प्रॉब्लम्स को इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम्स है उसको कम करने के लिए वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का हमें इतना कुछ जोश देख के आने नहीं मिल देखने को नहीं मिल रहा है सॉल्यूशन देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत कंप्लेन आ चुके हैं हमारे पास पावर कट को लेकर अंडमान निकोबार सब जगह से आ रहे हैं आपका इस पावर कट की समस्या को लेकर क्या करना है? क्योंकि कल इसके ऊपर एक कैंडल मार्च भी निकाला गया था आप क्या कहना चाहेंगे रिजवाना मैडम से जब हमारी बात हुई उन्होंने कहा कि उनका जो अभी जो जनरेटर का जो ये है वो 40 परसेंट थर्टी सिक्स तक का लोग एवरेज कर सकते हैं प्रॉब्लम में पब्लिक को इशू कर सकते हैं लेकिन इस बीच में होटल्स आ जाते हैं वहाँ पे ये, पूरा एसी चलता है तो वो जो इतना नया नया से आगे उनका रिक्वायर कर नहीं पा रहे इसी वजह से पावर कट हो रहा है क्योंकि उनको जो अभी जनरेटर जो उनके पास है तो वो जो पहले जो था वो का है तो अगर वो होटल्स का अपना अपना जनरेटर लगा सकते हैं अपना वो लोग कर सकते हो तो, तो, तो इशू थोड़ा सा कम हो सकता है ये ये सारा वजह से और का, काफ़ी जगह के ऐसी चला के भी छोड़ देते ये सी तीन चार चलता है ऐसे लाइट जलते रहते हैं तो ये सब को लेके अगर थोड़ा सा करे तो हम लोग आम पब्लिक भी थोड़ा सपोर्ट करे तो ये पावर कट का कम हो सकता है उन्होंने ऐसा हमसे कहा हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपने ये जो प्लान्स है जो आपने जनता के लिए रखा है सोचा है ये हमारे लोगों तक तो पहुंचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं हूं आपकी रिपोर्टर विनीता कैमरामैन शाहिद के साथ न्यूज आप तक से अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें हमारा अपना न्यूज आप तक अब सच देखेगा अंडमान